वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब बच्चे ठीक होंगे और आप सब बच्चों का सही से जा रहा होगा प्यारे बच्चों हमारा जो दूसरा चैप्टर था क्लास नाइन्थ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन उस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन टर्म सेक्यूलर स्टेट कल हमने देखा सेक्युलर स्टेट क्या सेक्युलर स्टेट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स सेक्युलर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है वेर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन जहां पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है और जहां पे हर एक रिलीजन को विद इक्वलिटी ट्रीट किया जाता है गेटिंग माई पॉइंट दैट इज सेक्युलर यहां देयर सिक्युलर स्टेट इज अ स्टेट वेयर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ऑल द रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली लाइक इंडिया गेटिंग माई पॉइंट हाउ कैन वी डिफाइन द प्रियम्बुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कल हमने देखा प्रियम्बुल क्या होता है जिसमें हमने देखा था फिर इंडियन प्रेमबुल हमने देखा था जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था हमें यहां पे देखना है डियर स्टूडेंट्स प्रियम्बुल क्या होता है प्यारे बच्चों द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है तारफ होता है उसे हम प्रियम्बल कहते हैं और डियर स्टूडेंट्स द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ओपनिंग वर्ड्स होते हैं बिगिनिंग के वर्ड्स होते हैं ओपनिंग वर्ड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रियम्बल दैट इज कॉल्ड द प्रियम्बल डियर स्टूडेंट्स अगर और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे हम कहते हैं तो भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर ठीक है ना भीमराव अंबेडकर इज द इज नोन एज द और इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे एक स्टेटमेंट है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एज पर एग्जाम परस्पेक्टिव आपको एक स्टेटमेंट uh, uh, दिया गया है वहां पर लाइक इंडिया इज ए सोशलिस्ट ठीक है इसको आप मानते हैं ठीक है ना सोशलिस्ट रिपब्लिक ठीक ये भी है

अच्छा चलो ठीक है और एक स्टेटमेंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज़ अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज राइट यस दिस स्टेटमेंट इज राइट डॉक्टर भीम अंबेडकर वाज़ वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ दी वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कांस्टिट्यूशन डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आपका आंसर यही होगा यस दिस इज राइट स्टेटमेंट चलो ठीक है हम और एक स्टेटमेंट पे आ जाते हैं और एक क्वेश्चन पे यहां पर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस किस से किस सेशन में डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्लान किया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक डियर स्टूडेंट्स जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देखा था कि कौन सा सेशन हुआ था कांग्रेस का एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी वन अब कौन सा सेशन हुआ था कांग्रेस का जो कराची सेशन हुआ था नाइनटीन थर्टी वन में जिसमें लीडर्स ने डिसाइड किया था कि हाउ द कांस्टिट्यूशन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक गेटिंग द पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों चलो और एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन है डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टू फोर्स जो हमारे मुल्क का आन कैम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टूक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इंटू फोर्स एंड द राइट आंसर यू नो द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स आपने ये टॉपिक पढ़ा है मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है इसके मुतालिक हमने जो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी दिया है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका राइट right आंसर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन फोर्स कैम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 हंड्रेड फिफ्टी दैट इज वाई दैट इज वाई एवरी ईयर दैट इज वाई एवरी ईयर इसलिए बच्चों हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं इसलिए बच्चों हम हर साल 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे मनाते हैं गेटिंग माई पॉइंट सो इसके बाद और एक क्वेश्चन है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द कांस्टिटुएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मेनी डेज तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी मेट फॉर हाउ मेनी डेज द कॉन्स्टिटुएंट असेंबली मेट फॉर 114 डेज डियर स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो डियर uh, स्टूडेंट्स uh, मिलते हैं अगले टॉपिक में तब तक खुदा हाफिज असल